हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे सलामत रहे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं बाबू की शॉपिंग करने, ईद की शॉपिंग। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो हम लोग अभी जा रहे हैं। लेकिन ये लड़की अपना मास्क नहीं लगा रही है आप लोगों से बात करने के लिए। दोस्तों तो मैं शॉप पे जा रही हूँ। बाबू सो रहा है, आप दिखा दो। बाबू कैसे आराम से सो रहा है, उसको पता नहीं है कि हम लोग आ चुके हैं। देखिए लड़की जो है मास्क अपना हटा के अभी भी नहीं उठा रही है। मैं लॉयल हूँ, मैंने अपना मास्क उठा दिया है। पहले जाएंगे मैक्स पे, हाँ उसके बाद मैक्स पे साइड जो कौन सा है वो वाला मॉल, उसका नाम क्या है? फैशन सिटी। फैशन सिटी ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या मिलता है। मास्क ही डाल दे, ये मास्क तो ज्यादा बड़ा हो गया ना मेरे लिए, ऐसा लग रहा है। हड़बड़ी में निकली, कुछ मिला नहीं, जो मिला वो डाल दिया। तो इंसान का मतलब होता ही है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ना देना, जैसे कि एक मास्क। तो दोस्तों हम लोग को बच्चे के सेक्शन में आके हम लोग को पहले शूज़ दिखे, तो हम लोग शूज़ देखने लगे और मुझे जो पसंद था जैसा चाहिए था पतला पतला। अभी तो बाबू चलता नहीं है तो अभी उसको मतलब पैरों में सिर्फ दिखने के लिए सुंदर मतलब शूज़ ऐसा चाहिए। तो मैं देख रही थी ये ब्लू वाला अच्छा लगा था और दूसरा भी देखती हूँ, आप लोग भी देखे, आप लोग बोलना आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा कॉमेंट बॉक्स में। और ये मैं आप लोग देख, क्यूट सा गर्ल्स का शू अच्छा लग रहा था ना, अगर मेरी बेबी मतलब गर्ल होती तो मैं ये ज़रूर खरीदती। मैं अपनी बहन से ये बोल रही थी, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितना क्यूट सा। और दूसरा भी शूज़ मैं देख रही थी और बाबू को और एक शू मुझे पसंद आया था, रेड और ब्लैक। बाबू का वो छोटा हो गया था क्योंकि उसका साइज 0 to 6 मंथ था और उससे बड़ा नहीं था। तो ब्लू वाला मैं पहना के देख रही हूँ बाबू का, हाँ ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये वाला मैं पहना के देख रही थी। बाबू का मतलब हाफ आ रहा था, पूरा सामने वाला घुस रहा था, पीछे वाला घुस ही नहीं रहा था। मुझे ये पसंद आया, ये साइज हुआ है, देखते हैं ये लेते हैं नहीं। आप लोग भी देखिए कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा जरूर। ये वाला घुस नहीं रहा था, मतलब ये साइज छोटा है, एकदम 0 to 6 है। हमारे बाबू का पैर लंबा है। तो दोस्तों हम लोगों ने शू ले लिया बाबू के लिए, अभी हम लोग पैंट देख रहे हैं और शर्ट भी देखेंगे। आप लोग देखिए और मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और शू मैंने जो लिया आप लोग, मैं घर में जाके दिखाऊंगी या ईद के दिन दिखाऊंगी, तो आप लोग देखेगा ज़रूर। बाबू की मासी ये बोल रही है, आप देखिए कैसा है, ज्यादा लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ पहना सकते फोल्ड कर बाबू। हम लोग का सब कुछ लेना खत्म हो गया, बाबू का कपड़ा भी ले लिया, शूज भी ले लिया। तो मैं अभी बिलिंग कराने आ रही हूँ और बाबू अपने अब्बू के साथ खेल रहा है और मासी के साथ खेल रहा है। मैं बिलिंग कर रही हूँ क्योंकि उनको वो लोग थक गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं करा लेती हूँ और वो लोग बाबू को लेकर इधर उधर देख रहे हैं, उसका मन बहला रहे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए, बुरा लगता है तो भी बताइए, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा ये आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इम्प्रूव करूँगी। और दोस्तों आप लोगों को कुछ नया चाहिए तो ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और दोस्तों मैं आपकी फ्रेंड हूँ। और दोस्तों आप लोगों के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, पार्ट 1 ये, पार्ट 2 में आप लोगों को हम लोगों का जो थोड़ा सा शॉपिंग वो मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।